हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो होने वाला है बिग बॉस। और बिग बॉस के ऊपर एक वीडियो दोस्तों पहले ही बना चुका हूँ, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था वो। और मुनव्वर फारूकी के ऊपर दोस्तों एक और वीडियो है ये मेरा। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के घर में जिस तरीके से सैवेज सैवेज रिप्लाई दे रहे हैं और ओपी मूवमेंट्स जो आ रहे हैं लगातार, और वन लाइनर जो वो बोलते हैं दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों ये पूरा वीडियो रहने वाला है। पिछले वीडियो की तरह दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो आपको काफी मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर भी। उस वीडियो में दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मुनव्वर फारूकी हैं वो कॉन्टेंट की कमी छोड़ते नहीं है, तो काफी उनके वीडियोज लगातार आ रहे हैं बिग बॉस की तरफ से, और देखेंगे कि मुनव्वर फारूकी किस तरीके से बिग बॉस का गेम खेल रहे हैं। वैसे अभी तक दोस्तों थोड़ा बज थोड़ा बिग बॉस का थोड़ा कम बना है, और जो OTT था वो थोड़े दिन पहले ही खत्म हुआ था, उसके बाद तुरंत बाद ही ये दोस्तों शो शुरू हो गया। बिग बॉस का जो टीवी पे शो आता है तो वो शो शुरू हो गया, तो थोड़ा बस बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। पर हाँ, थोड़ा टाइम जैसे ही बीतेगा और जैसे जैसे दोस्तों प्लेयर्स खेलना शुरू करेंगे इस गेम को, और प्लेयर्स भी जैसे जैसे इस गेम को समझना शुरू करेंगे वैसे वैसे दोस्तों ये गेम आगे बढ़ेगा। और दोस्तों अधिकतर हर बार ऐसा ही होता है कि जो कुछ पॉपुलर जो कंटेस्टेंट होते हैं वही अच्छा से खेलते हैं गेम को, और ज्यादातर दोस्तों ऐसा ही होता है कि बिग बॉस के अंदर जो खिलाड़ी थोड़े कमजोर होते हैं या जो कंटेस्टेंट थोड़ा कम दिखाई दे रहे होते हैं उन्हें, मतलब वो एनिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वाइल्ड कार्ड आते हैं, और वाइल्ड कार्ड दोस्तों ऐसे आते हैं कि जिनका या तो जो कंटेस्टेंट अच्छा खेल रहे होते हैं उनसे कोई ना कोई पहले का कोई ना कोई उनके संग उनका कनेक्शन होता है, और कोई ना कोई उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होती है, या फिर दोस्तों वाइल्ड कार्ड इतना स्ट्रांग लेके आया जाता है कि वो गेम को और ज्यादा मजबूत करता है। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में अपन को क्या देखने को मिलता है, और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। मुनव्वर फारूकी के जो वन लाइनर होते हैं और जो OP रिप्लाई करते हैं वो दोस्तों वो जबरदस्त होते हैं, तो उनको देखने का अलग ही मजा होता है, और भाई जो देखने वाले होते हैं उन्हें अलग ही मजा आ जाता है कि भाई क्या ही बात कह दी। कंटेस्टेंट की बात करूं तो कई कंटेस्टेंट की बात तो दोस्तों पहले वीडियो में कर चुके हैं, जो बाकी बचे कंटेस्टेंट उनकी बात कर लेते हैं। बिग बॉस में दिखाई देंगे मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, ईशा मालविका और अभिषेक कुमार, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, राइडर UK07 मतलब अनुराग और सनी आर्या मतलब तहलका, इसके अलावा अंकिता लोखंडे और विकी जैन इस शो में दिखाई देंगे। जैसे जैसे दोस्तों दिन आगे बढ़ रहे हैं बिग बॉस का शो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, पॉलिटिक्स भी शुरू होती जा रही है, और जो गेम खेलने वाले कंटेस्टेंट है मतलब वो अपने असली रूप में सामने आने लग गए हैं धीरे धीरे, और स्ट्रेटजी बनने लगी है एक दूसरे के खिलाफ, और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे कंटेस्टेंट किसकी क्या मतलब की स्ट्रेटजी है गेम को जीतने की, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहता है। शो का दोस्तों मेन फॉर्मेट ये रहता है बिग बॉस का, दोस्तों ये कॉन्सेप्ट रहता है उसमें, ये दिखाई देता है कि लोग किस तरीके से बदलते हैं और किस तरीके से शो चलता है, दुनियादारी पूरी दिखाई देती है शो के अंदर, किस तरीके से अपने फायदे के लिए आदमी बदल जाता है, किस तरीके से जो दोस्तियां होती हैं वो टूट जाती हैं, और जो दुश्मनों के साथ अपना ही दोस्त खड़ा हो जाता है, तो ये सब दोस्तों भी बिग बॉस का हिस्सा रहता है, और बिग बॉस में यही सब देखने को मिलता है। जो पूरी दुनियादारी है वो बिग बॉस में भी नजर आने लग जाती है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा मुनव्वर फारूकी इन सब चीजों से कैसे डील कर रहे हैं, किस तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं और किस तरीके से लोगों को जवाब दे रहे हैं। तो बिना देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपना ये रिएक्शन शुरू करते हैं। आपने किया कोई कांड बेकार और वीकेंड पर मैंने किया आप परवाह, तो आप बड़े जाओगे तो बेकार शायरी के हालत में रहोगे। आप तो भी बड़े गए भाई मेरे पे, कर दिया मैंने कांड, तो ये बोलूंगा कि कुछ लोग एक गलती पे रिश्तों को खिलाफ कर देते हैं, लेकिन जिनका दिल बड़ा होता है ना वो माफ कर देते, माफ कर देते हैं। सही तो तेरे को पूछ रही है मुनव्वर, हो चुका उसमें से कोई चूज नहीं कर सकते। हाँ हो सकता है, तो सर पे बैठ जाएगा सो जाएगा तो हो सकता है। हमेशा याद रखना, दो इंसान ना, दो इंसान का भरोसा जिंदगी में नहीं करना, जो तुम्हारे मुंह पे आके तुम्हारी तारीफ करे, और दूसरा वो जो तुम्हारे मुंह पे आके तुम्हारे दुश्मन की बुराई करे। रुपजम में ना खेले मुनव्वर, दिल से बोली है मैडम। आई डोंट अग्री, चार लोग साथ में बैठ के मजाक मस्ती करना कि ग्रुप एक बन रहा है, बट आई अरे सुन, अरे वो गुस्से में तो कुछ भी बोलता है, गुस्से में बोलता है, अरे गुस्से में लोग बोलते फाड़ दूंगा, फाड़ दे जाए। अरे सही है, सही है, तू बाहर क्या कर लेगा, सही है, बाहर क्या कर लेगा, मेरे को पता नहीं है, ये लड़ाई चल रही है, चाहिए अपने काम में लगे हुए। मुनव्वर एक कॉम्पिटिशन है और वो एक अच्छा गेम प्लेयर है, घर में आगे जीतने समझने के लिए घर ताकतवर चाहिए, बिल्कुल ओके, आई विल मेक श्योर ईंटें निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है, अपन ने रूप देख लिया, अब विकी को नॉमिनेट करके हम इसको अभी खत्म नहीं देते ना। लव यू बिग बॉस, तुझे बोला जो क्यों होगा वो देखना। विक्की भाई, अंकिता मैडम, जीरो एक्सपेक्टेशन रखिएगा मेरे से, बट मैं सामने से मारूंगा गोली। मुनव्वर, इस पूरी सिचुएशन पे कोई शायरी सूझ रही है क्या?
बिग बॉस दो लाइन बोलूंगा, इरशाद खुशबू सब में थी पहचानता मैं नस्ल कैसे, खुशबू सब में थी मैं पहचानता नस्ल कैसे, गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ लाया। मैं शेर ये सारे मुझको शायर कहते, मैं तो हूँ राग ये फिर भी मुझको फायर कहते। इस घर में आपके साथ दूसरे सदस्य होंगे वो जिनके बारे में घर के अलग अलग कोनों में अक्सर हमने बात होते सुना है कि ये एक बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। इनसे बच कर रहना चाहिए। क्या बात है मुन्ना भाई, ये सब चल रहा है बीट बीच। कौन होंगे ये, एनी गेसेस? मुनव्वर फारूकी। आपका हुक्म सर। हाँ खबर बिग बॉस, पहले जानना चाहूंगा सबको बराबर सीट मिल गई है? यस यस। कुछ की छीनने वाली है। भेड़ चाल चलने का ये दौर अभी भी जारी है, यहाँ कुछ लोगों ने निशाना आसान देखकर गोली मारी है। आप मुझे चुप रहने मत बोलिए। दुनियादारी के जंगल में कुछ वक्त बिताना चाहिए। देखो क्रेज देख रहे हो बंदे का, मतलब क्या यार सेशन है, मस्त है। हाय हाय, मैंने इतना इग्नोर किया होता तो मैं नोटिस कैसे करता? आप तो एक्टर हो। आई डिनाय एक्सप्लेनेशन। तुम वक्त बताएगा पर मजा तो बहुत आ रहा है। मैंने अपने पोटेंशियल फेवरेट्स को यहाँ पे बुलाया है। नोटेड बिग बॉस। अर्ज किया है कि मोहब्बत के जाम पिलाने वाला साकी हूँ मैं। मजा, मोहब्बत के जाम पिलाने वाला साकी हूँ मैं, लबों पे हंसी लाने के लिए अकेला काफी हूँ मैं। मुनावर didn't take a stand for a community, ये बात याद रखना। मुनावर ने स्टैंड नहीं लिया भाई, बना तो YouTube से ही है ना भाई, वो उनके सपोर्ट में है, मैटर खत्म भाई। मेरे को गाली देंगे ना इन लोग के, कम्युनिटी के साइड खड़ा नहीं रहा भाई, मैं तुम्हारी साइड ही खड़ा हूँ, तुमको दिख नहीं रहा हो, जिस दिन तुमको दिखेगा ना उस दिन सब्सक्राइब कर लेना। मगर मेरे को हिस्सा समझ, जस्ट बिकॉज तुमने उड़ता तीर लिया उसकी वजह से जो भार होने वाला है ना, मैं उसके लिए कंसर्न हूँ, लेकिन मैं बहुत प्राउड भी हूँ कि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। ये तुम्हारे जो खेल है ना, अस वर्सेस देम के, मैं ना यहाँ हूँ ना यहाँ हूँ। जिसका पलड़ा भारी दिख रहा था ना, मैं उनको समझाने गया था, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं गया था। किसी की चौथे की पांचवे इंसान की कॉन्वर्सेशन में एक तीर उड़ता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कन्वीनियंट था तुमने वो तीर ले लिया। और वो तीर के बाद तुमको जो ब्राउनी पॉइंट मिलने वाले तुमने वो ले लिए भाई। मेरे को गाली देंगे ना इन लोग के, कम्युनिटी के साइड खड़ा नहीं रहा भाई, मैं तुम्हारी साइड ही खड़ा हूँ, तुमको दिख नहीं रहा, तुमको दिखेगा ना उस दिन सब्सक्राइब कर लेना। तुम मुंह पे नहीं पीठ पीछे वार करेगा, कि पता है तू सामने आने से डरेगा, तू कर भी लेगा मुझ पे नुकसान, तू इशारा लगेगा कर भी लेगा मुझ पे नुकसान, लेकिन जब बिग बॉस खेलेंगे तुझे महंगा पड़ेगा। तहलका लगाया ना, कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है। ये तारीफ बिग बॉस जमती है, बढ़िया मोटिवेशन जैसा पुश मिलता है। अभी अपन फुल एक्टिव हो गए, अभी चाल ही चेंज हो गए भाई। देखो ना ऐसा बगले जैसा चल रहा तुम्हारा भाई, ऐसा भाई भाई बोल रहे, सब बुरा नहीं मानना बिग बॉस, सबके सामने थोड़ा रहेगा। तो ये खाली ऐसी मजाक मस्ती में कैमरे के वास्ते मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा तो तुम ऐसा सीरियस नहीं लेना है ना। देखो ऐसा कोने में बुला के बोलना कि भाई क्या था ये, तो मैं तुम्हारे को बोलूंगा सॉरी पाया पड़तो।
ये जबरदस्त यार, क्या मजा आया। देख लास्ट वाला भी यार काफी अच्छा लगा मेरे को, वो जो लास्ट का जो सॉन्ग है वो क्या मस्त लग रहा था। नहीं बिल्कुल मैच कर रहा था उससे पूरी थीम से। नहीं और वही है दोस्तों कि पूरी जो बिग बॉस का जो स्ट्रेटजी चल रही है और जिस तरीके से माइंड गेम चलने लग गए हैं, तो मुनव्वर फरूकी भी यार पूरी फॉर्म में आ रहे हैं और वैसे भी शुरू से ही मतलब कि वो चीज़ों को समझ रहे थे, देख रहे थे कि भाई क्या क्या किस तरीके से गेम आगे बढ़ रहा है। और अब जो है वो असली थोड़े से रूप लोगों के बाहर आ रहे हैं, तो दिखाई भी दे रहा है कि आगे किस तरीके से गेम चलने वाला है। पर इसमें यार मुनव्वर फरूकी की एक तो खासियत मैं मानूंगा कि एक तो बंदा टैलेंटेड तो जो है सो है ही है, वो तो साफ क्लियर साफ दिखाई देता है और जगह जगह वो अपने आप को साबित भी करते हैं। मतलब बिग बॉस अगर एकदम से कुछ कह दें उस बंदे को कि कुछ आप इस बात पर कुछ कहिए या कुछ शायरी बताइए, या सलमान भी कुछ कह रहे हैं उनसे कि भाई कुछ शायरी बना के बताओ यार, कुछ माहौल जमाओ, तो एक मिनट में बंदा मतलब तुरंत की तुरंत शायरी करके देता है और बताता है, तो यार क्या जबरदस्त और बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल एक निशाने पे लगती है। मतलब शायरी भी अगर बोलेगा तो वो मतलब कि जो बिग बॉस का माहौल है और जिस तरीके की सिचुएशन आसपास चल रही है उस पर उसकी बंदे की शायरी जाती है बिल्कुल, और जिस बंदे तक पहुंचनी चाहिए उस तक वो बात पहुंचती है। तो ये एक बहुत ही यार टैलेंटेड बात है। और दूसरा ये है ना, अवेयर बहुत है, मतलब हर चीज़ से अवेयर है मुनव्वर फारूकी को। ये पता है कि गेम को किस तरीके से खेलना है, तो वो पूरी तरीके से अवेयर रहता है। और देखो यार कमाल की बात देखो दोस्तों कि जो UK07 राइडर है वो उसके पीछे मतलब कि कहीं बात कर रहा है कि भाई ये कम्युनिटी के संग खड़ा नहीं हुआ और ऐसे और वैसे इस तरीके से बात कर रहा है। और मतलब उसको ये क्या ही पता होगा बंदे को, मतलब राइडर को, कि इस बात का जवाब जो ऑडियंस है बिग बॉस की, जो ऑडियंस है या जो लोग मुनव्वर फारूकी को देख रहे हैं, उसका जवाब मुनव्वर फारूकी पहले ही दे रहा है। मतलब उसको बिल्कुल क्लियर, उसको पता है कि इस तरीके की हो सकता है बातें हो रही हूं, तो मैं उसको पहले से ही क्लियर कर देता हूं कि भाई मेरे तरफ से तुम ये समझ के चलो कि मैं किस तरीके से गेम खेल रहा हूं। तो अपनी जो ऑडियंस है ना उसको अपने संग रखना, और जो बात मतलब कि कोई बात ऐसी हो रही है कि भाई ऑडियंस को समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई यार ये कैसे, यार ये चीज यहां कैसे चली गई, तो मुनव्वर फारूकी को पता है कि वो अपनी ऑडियंस को किस तरीके से मतलब कि अपने साथ रखता है। और वो मतलब कोई भी बात अगर कर रहा है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक है, और जो उसकी ऑडियंस है वो भी ये समझती है, और वो अपनी बात को मतलब बताता भी है आगे, क्लियर भी कर देता है ऑडियंस के लिए, कर देता है क्लियर कि अगर मैंने वहाँ पे वो बात बोली थी तो उसका ये कारण था। तो ये एक यार बड़ी गजब की क्वालिटी होती है, और इसी वजह से उसके जो इतने फैंस हैं, जो उसको इतने चाहने वाले इतने उसके बन गए हैं, उसका कारण यही है यार, क्योंकि वो बंदा ना मतलब कि अलग ही स्टैंड लेता है और अलग ही अपनी बातें इतने बढ़िया तरीके से रखता है कि जिसका कहना क्या है। और टैलेंट तो भाई कितना भरा हुआ है, मतलब इस वीडियो में भी तुम देखो कि भाई फन मूवमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, शायरी भी दिखाई दे रही है, और जो अपना एक टशन होता है और जो एक जो ओपी मूवमेंट्स होते हैं कि भाई सामने से पलट के जवाब दे देना और सामने वाले को बिल्कुल चुप कर देना, तो वो सब तुम्हें जो मुनव्वर फारूकी है ना उसकी पर्सनैलिटी में नजर आ जाएगा। पूरा मतलब कि कॉम्बो टाइप है बंदा एक तरीके से दोस्तों, जो ऑलराउंडर होते हैं ना कि भाई हर बॉल पे छक्का मारने में भी माहिर, और जब हाथ में बॉलिंग आ गई तो भाई सामने वाले को आउट करने में भी एक मिनट लगाएंगे, तो वो वाला हाल है भाई। तो बिग बॉस का गेम भी यार है ही इसी तरीके का, जो इनर पॉलिटिक्स जो चलती है, दुनियादारी चलती है, वो सब इसमें दिखाई देती है। और भाई थोड़ा सा तुम ये भी देखा करो कि जो मुनव्वर फारूकी की बातें होती है ना उसमें थोड़ा सा ये भी पकड़ा करो कि वो जो लाइफ में लोगों के जो चीज़ें चल रही होती है ना वहाँ भी वो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, तो वो यार बड़ी गजब की बात है कि उसने बुद्धे को शुरू में ही बोला, जैसे मुनव्वर फारूकी मनारा को समझा रहा था कि जो लोग आपके मुंह पे आपकी बढ़ाई करते हैं और आपके सामने आपके दुश्मन की बार बार बुराई करते हैं, तो उन लोगों से बच के रहने की जरूरत होती है और उन लोगों पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों वो उसको समझा रहा था, और ये जो चीज़ें होती है ना ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी आपके काम आ सकती हैं भाई, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सेट बैठती है। और ये बात सच है कि दुनिया में भी दोस्तों यही होता है। और एक जगह उसने शायरी भी की थी कि मतलब निशाना जो लोग मारते हैं तो जो कमजोर निशाना होता है ना उसी को मारते हैं। तो मुनव्वर फारूकी अपनी बातों को बहुत मतलब क्लियर तरीके से रखता है, जीतने के पूरे चांस हैं, तो ऐसे बंदे से वो लोग डरते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीजें निकले कि ये बंदा घर से बाहर हो, तो यही स्ट्रेटजी चल रही है। और दोस्तों गेम तो पूरी तरीके से बैंग ऑन शुरू हो गया है, थोड़ा ही टाइम लगेगा दोस्तों, देखना ये बिग बॉस में दो धड़ों में चीजें बढ़ जाएंगी, एक धड़े की तरफ तो मुनव्वर फारूकी की तरफ लोग हो जाएंगे और एक तरफ धड़े की तरफ वो चले जाएंगे, मुझे लग रहा है गीता लखोटे और विकी जैन की तरफ। तो वही देखना आगे की स्ट्रेटजी चलेगी और फिर जो गेम के अंदर चलेगा तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, और फिर वाइल्ड कार्ड वगैरह आएंगे तो उससे और गेम इंटरेस्टिंग होगा। तो मुनव्वर फारूकी के जो सैवेज मूवमेंट है और जो वन लाइनर है वो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। कई लोगों को दोस्तों जवाब दे दिया उसने अपनी मतलब कि प्यारी प्यारी बातों से भी, शायरी से भी, और सामने वाले सन भी रह गए थे देख के यार भाई क्या ही बात कर दी। मुनव्वर फारूकी की खासियत दोस्तों मेरे को ये भी लगती है कि वो अपनी बात कहते तो हैं सबसे, पर एक दोस्तों वो भी है कि अपनी दोस्तों की बात सुनते भी बहुत है। और दोस्तों की क्या मतलब कि जो सलमान खान है उनकी भी बात वो काफ़ी सुनते हैं, मतलब कि उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा इशारा आ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई मैं
मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, तो वो मनोहर फाकी पूरी तरीके से इस बात को नोटिस करते हैं। एक जगह दोस्तों बिग बॉस कुछ कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ पॉइंट नोटेड, मतलब कि वो बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनते हैं। ये काफ़ी खास बात है दोस्तों, और ये काफ़ी फाइन क्वालिटी होती है किसी भी बंदे के अंदर, जो बंदा दूसरों की बातें सुनता है तो उसको लोग दोस्तों पसंद भी करते हैं। तो बिग बॉस का शो दोस्तों ऐसे ही चलेगा आगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहेंगी बिग बॉस के शो में, और इस तरीके के मूवमेंट आते रहेंगे, तो दोस्तों उन मूवमेंट्स को लेकर आते रहेंगे आपके सामने। तो आज का वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग था और काफी मजा आया इस वीडियो को देख के। मनोहर फारूकी के दोस्तों सेवेज रिप्लाई और मेरा दोस्तों ये रिएक्शन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, जिससे कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाया करो और कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों आप दोस्तों मनोहर फारूकी को कितना पसंद करते हैं ये जरूर लिखें। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग और मूवी रिएक्शन की वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।